जोहार दीदी, कखन आहिस? जोहार, तखने में तो आई हो। का बात है दीदी, बहुत परेशान लगत है। हमार खेत में घास हो जाए बड़ी जोर से, तो का करिए दीदी, बनियारो नहीं मिलत है। दीदी, मैं ग्राम संगठन मीटिंग जाए रहनी, उकर में एक ठो चर्चा हुई रहे, एक ठो बीडर नाम करके एक ठो मशीन है, वो घास के आसानी से काट सकेला और हमें दीदियों मन चलाए सकेला। अच्छा दीदी, तोर जगह बीडर मशीन हाउ का? चल तो खेत में जाए के चलाए के दिखाए देबे। हाँ दीदी, मोर जगन बीडर मशीन है, मैं खेत में जाए के दिखाए देबो। चल तब। दीदी कैसन चला खोल के? ये देखन चला खोल, आगे पीछे करे खोल ऐसा। दीदी, और एक बात के बहुत ध्यान रखे कहे, खेत में कम से कम 1 इंच पानी रहे बहुत जरूरी है, एकर से बीडर आसानी से चल सकेला। अच्छा दीदी, इकर में और का का करे खाओ? जरूरी है दीदी कि 15 दिन में पहला कोनो बीडर चलाए, 30 दिन कर बाद दूसरा, तीसरा कोनो बीडर के चलाए बहुत जरूरी है। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, देते ही बीडर के चलाए ले वो हम हो। अच्छा ले चलाए के दिख ले। अच्छा दीदी, सन चलाए खबौला? हाँ। अच्छा दीदी, बीडर के चलाए के ले सिखा ले सकर ले तो के बहुत बहुत धन्यवाद। देखे वाला सब दर्शक मन के हमार बटे से जोहार। एखन तोहरे देखला कि कोनो बीडर कैसन चलाल जाएला। कोनो बीडर चलाए से हम इनके ई फायदा है कि कोनो बीडर के चलाए से जड़ कर मिट्टी ढीला हो जाएला और ऑक्सीजन जड़ तक पहुँच सकेला और जेकर से पौधा कर जड़ मजबूत हो जाएला। बीडर मशीन चलाए से घास मिट्टी में मिल के खाद बन जाएला और उपज अधिक होएला। सबके जोहार।